रामराजी इंटर कॉलेज नारायणपुर प्रीतमपुर अम्बेडकर नगर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, कक्षा 7 के विज्ञान पे आज आप पढ़ेंगे मृदा। मृदा के अंतर्गत पढ़ेंगे मृदा के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं कि शैलों के अपक्षय से विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी, को क्ले भी कहते हैं, क्ले सम्मिलित है। किसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल शैल पर निर्भर है जिससे उसके कण बने हैं। शैल कणों और ह्यूमस का मिश्रण है, मृदा कहलाता है। जीवाणु, बैक्टीरिया, पादप, मूल, केंचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग हैं। उसमें वो अपना आवास बना के रहते हैं। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप साइज के कणों के अनुमान के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो बलुई मृदा कहलाती है। बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो मृदमय मृदा कहलाती है। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग जो है समान होती है तो उसे हम दुमटी मृदा कहते हैं या दुमटी मिट्टी कहते हैं। अतः मृदा वर्गीकरण बलुई मिट्टी, दुमटी मिट्टी और मृदमय के रूप में किया जाता है। मृदा में कणों के आमाप का उसके गुणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, ठीक ना। इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं, ये स्थान वायु से भरे रहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुवातित होता है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में जल की निकासी तेजी से होती है, इसलिए वो जल का अवशोषण जल्दी करते हैं, ठीक ना। अतः बलुई मृदा हल्की और सुवातित और शुष्क होती है। मृतिका यानी कि चिकनी मिट्टी के सूक्ष्म बहुत छोटे कण होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है। अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन यह भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दुमट है। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद नदी तालों के आधारों से निक्षेप रूप में पाई जाती है। गाद कणों का अमाप साइज बालू और चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच होता है। दुमटी मृदा में भी ह्यूमस होता है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। तो ये हो गया मृदा के प्रकार। तो इसमें जल धारण क्षमता को हम ज्ञात करने के लिए जो है एक प्रयोग करेंगे। उस प्रयोग के माध्यम से समझेंगे कि किस मिट्टी में कितना दल जल धारण करने की क्षमता है। मृदमय और दुमटी और बलुई मृदा के नमूने एकत्रित कीजिए। किसी एक नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लीजिए। इसमें से कंकड़, पत्थर, घास के तिनकों आदि को निकाल लीजिए तथा अब इसमें बूंद बूंद करके जल डालिए। इसे गूंथ लीजिए। केवल इतना जल डालें कि इससे मृदा का गोला या गोल बन जाए। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कैसे इसको गूंथ रहे हैं और ये बनाया गया है इनसे, ठीक ना। लेकिन ध्यान रहे कि चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मृदा को गोल बनाने का प्रयास करें। किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल लें और इस बेलन से छल्ला बनाने का प्रयास कीजिए। इस क्रियाकलाप को मृदा के अन्य नमूनों के साथ दोहराइए। कोई मृदा किस प्रकार की है इसका निर्णय इस आधार पर किया जा सकता है जो मनचाही आकृति बनाए या सुविधाजनक है, ठीक है ना। क्या आप बता सकते हैं किस प्रकार की मृदा बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने के लिए अधिक उपयोगी है? तो वो चिकनी मिट्टी होती है।
ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही, दूसरी कक्षा में हम पुनः एक नए प्रयोग के साथ कि मृदा के गुण क्या हों उनके बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बारे में जो है विस्तृत से हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।